गाइस वेलकम टू योर चैनल। मैं हूं संदीप। वेलकम, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, राम राम सा खम्बा गणी। तो हम जा रहे हैं राजस्थान के पश्चिमी भाग की तरफ। हे गाइस, हम आ गए हैं बाड़मेर से 40-50 किलोमीटर दूर और चोटन से 10-12 किलोमीटर दूर। और ये वीरात्रा माता नहीं है, ये मंदिर है जूना माता का। देखो ये सेम मतलब पूरा ये मंदिर भी मार्बल का बना हुआ है। और ये मंदिर वीरात्रा माता का जो मंदिर है ना, उससे 1 किलोमीटर पहले ही आ जाता है। अगर आप वीरात्रा माता के आओ तो इस मंदिर में ज़रूर आना। ये मंदिर भी बहुत ही बढ़िया मंदिर है। ये देखो ये जूना माता है, माता जी का मंदिर है ये। और ये देखो पूरा इस पर भी मार्बल का ही कारीगरी की गई है। देखो ऊपर से देखो छोटी छोटी मूर्तियाँ और एकदम बारीकी से कारीगरी की गई है। बहुत ही शानदार मंदिर है ये भी। ये देखो ऊपर की छत देखो इसकी, बढ़िया एकदम गोल गोल झूमर होता तो और अच्छा लगता। ये देखो ये बाहर की लोकेशन है इस मंदिर की। और ये पूरा ना पास में चारों तरफ देखो टीबे, और वहाँ जाना है, वो है वीरात्रा माता का ऊपर चोटी पे मंदिर। ये देखो पूरा चारों तरफ से देखो, चारों तरफ यहाँ दोरे हैं। कुछ कोई आसपास कोई मकान नहीं, कोई नहीं है। अभी आपको ऊपर चढ़ के मैं दिखाऊंगा और उस पहाड़ पे। ये देखो क्या कारीगरी की गई, बहुत ही शानदार मंदिर है। बाड़मेर से आओ तो यहाँ से 40-45 किलोमीटर है बाड़मेर यहाँ से। और अगर बाड़मेर आओ तो इस मंदिर में ज़रूर आना, बहुत ही शानदार मंदिर है। ये मंदिर भी बढ़िया है। अगर वीरात्रा माता के आप आओ ना तो इस मंदिर में भी आके जाना। तो चलो अब हम चलते हैं नीचे और नीचे का नज़ारा देखते हैं कैसा है। चलो यह वाकल माता वीरात्रा माता का नया मंदिर। और इसके ऊपर इससे ऊपर वाला वो है पुराना मंदिर। क्या लोकेशन है, ये चौटन से 12 किलोमीटर दूर वीरात्रा माता वाकल माता बोलते हैं जिनको। यहाँ बाड़मेर की बहुत फेमस माता है ये। पूरा मंदिर संगमरमर से बना हुआ है। वीर विक्रमादित्य के साथ आई थी वाकल माता यहाँ पे। और देखो ये मंदिर एकदम, यहाँ पे पहले पहाड़ थे, टीबे टीबे थे। पूछताछ कर ले क्या मंदिर है एकदम। ये मंदिर के बाहर की लोकेशन है। नीचे से ऊपर जाने के लिए ऊपर एक मंदिर और है जो कि पुराना मंदिर है। वहाँ जाने के लिए कम से कम 1250 सीढ़ियाँ, 1250 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी। और बीच में एक मंदिर का निर्माण अभी और चल रहा है। जो भक्तगण ऊपर नहीं जा सकते उनके लिए नीचे, जो और ऊपर नहीं जा सकते उनके बीच में एक मंदिर है। देखो क्या लोकेशन है, बहुत बढ़िया लोकेशन आ रही है यहाँ से। चलो अब देखो, अब एक और मंदिर आएगा जो कि सेकंड नंबर का है, मतलब कि बीच में है ये मंदिर है। इस मंदिर का अभी निर्माण चल रहा है। इससे ऊपर जो मेन मंदिर है इससे ऊपर है। और यहाँ पे रूप वे लगे हुए हैं, लेकिन ये शायद सामान के लिए लगा रखे हैं। ये देखो ये चल रहा है, इसका चल रहा है निर्माण। ये भी पूरा संगमरमर का बना होगा। बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे आओ तो आपको सुकून सा मिलेगा। ये देखो अंदर अभी काम चल रहा है इसके। देखो कब तक पूरा होता है इसका काम, बहुत जल्दी हो जाएगा। कोरोना के अंदर अंदर काम हो जाएगा इसका। चलो
1200 पी सीढ़ियाँ चढ़नी है, चढ़ेंगे। जब उज्जैन के राजा वीर विक्रमादित्य जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के अभियान पर गए थे, तब उन्होंने हिंगलाज माता से प्रार्थना की कि अगर वह विजय रहे तो वह उनके साथ भारत आएगी। तब माता जी तो आई नहीं और अपनी शक्तिपीठ भेजी और बोला कि अगर जहां आपने पीछे मुड़कर देखा तो वहीं यह मूर्ति स्थापित हो जाएगी। और ये जो हिंगलाज माता है, ये क्या बलूचिस्तान के पास एक बेला क्षेत्र था और मकरान पर्वतमाला की गुफा में सुविख्यात थी। और फिर जब वीर विक्रमादित्य भारत उज्जैन की तरफ लौट रहे थे, तब उनको यहाँ आते आते रात हो गई। फिर उन्होंने यहीं अपनी जगह रुकने का फैसला लिया और पीछे मुड़ के देख लिया, जिस वजह से ये माता यहीं स्थापित हो गई। ये देखो बाहर से मंदिर। और इन मंदिर इन माता का जो मेला लगता है वो लगता है भाद्रपद शुद्ध की 13-14-15 तारीख। नवरात्रों में तो यहाँ पे भयंकर भीड़ रहती है। ये देखो एक तरफ पहाड़ है, कहीं यहाँ पे माटी टीबे हैं टीले। ये देखो पहाड़ी पहाड़ के ऊपर ये माता जी का। अपन गए थे उस मंदिर में सबसे पहले, 1 किलोमीटर दूर पड़ता है। और इन माता जी जो वाकल माता, इनकी गर्दन टेढ़ी होने के कारण इनका नाम वाकल माता पड़ा। और वीरात्रा माता इनका नाम इसलिए बढ़ा है क्योंकि वीर विक्रमादित्य ने रात को यहाँ रुके थे ना, इस वजह से। और ये देखो बारिश भी हो रही है, बहुत शानदार नज़ारा दिखता है यहाँ से ऊपर आने में। 1260 सीढ़ियाँ है यहाँ पे ऊपर आने की। और ये रहा वो माता का। और यहाँ से पाकिस्तान की बॉर्डर भी पास में पड़ती है, तो 40-50 किलोमीटर है, ये पाकिस्तान की बॉर्डर ही बताते हैं। ये मंदिर है, ये नया मंदिर है, यहाँ पर फोन कैमरा अलाउ नहीं था, इसलिए इस मंदिर को हम अंदर से नहीं दिखा सकते। हिसाब से इन मूर्तियों को तोड़ दिया गया है, गलत है, ऐसा करना नहीं चाहिए। इतनी बढ़िया अच्छी मूर्तियों को निकाल दिया गया है।